छोड़ा, जलेबी फिर चूल्हे पर बना खाना, हरियाणवी बने राहुल गांधी की तस्वीर मचा रही हंगामा। हरियाणा विधानसभा चुनाव में अब केवल 2 दिन शेष है और राहुल गांधी अपने अनोखे अंदाज के कारण चुनाव प्रचार के केंद्र में बने हुए हैं। चुनावी जनसभाओं के बीच वह कभी पकौड़े खाते दिख रहे हैं तो कभी गोहना की प्रसिद्ध माथुराम हलवाई की जलेबियों का स्वाद ले रहे हैं। उन्होंने ग्रामीण इलाकों में जाकर परिवारों के साथ खाना भी खाया। मदीना गाँव के किसानों ने उन्हें वह धान उपहार में दिया जिससे उन्होंने पिछले साल खेतों में खुद ट्रैक्टर चलाकर रोपा था। राहुल गांधी पिछले साल मदीना गांव में पहुंचे थे जब धान की रोपाई हो रही थी। उस दौरान उन्होंने ट्रैक्टर चलाया और किसानों के साथ खेत में धान भी लगाया। उनका यह वीडियो काफी वायरल हुआ था। अब जब वह अपनी विजय संकल्प यात्रा के दौरान फिर मदीना गाँव से गुजरे तो किसानों ने उन्हें वहीं धान उपहार स्वरूप भेंट किया। मंगलवार को राहुल गांधी बहादुरगढ़ पहुंचे जहां पकौड़ा चौक पर एक समर्थक ने उन्हें पकौड़े पेश किए। इसके बाद वह सोनीपत के बड़वासनी गांव पहुंचे जहां एक ग्रामीण परिवार ने उन्हें चूल्हे पर बनी दाल, सूखी सब्जी और रोटी परोसी। उन्होंने बड़े स्नेह से यह भोजन किया और साथ में लस्सी का भी आनंद लिया। भोजन के बाद राहुल गांधी गोहना पहुंचे जहां नई सब्जी मंडी में किसानों ने उन्हें चावल भेंट किए। यह वही चावल थे जो उनके द्वारा रोपे गए पौधों से तैयार किए गए थे। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि यह उनकी मेहनत का फल है जिसे पाकर उन्हें गर्व महसूस हो रहा है। गोहना में राहुल गांधी को प्रसिद्ध माथुराम हलवाई की जलेबी भी खिलाई गई। उन्होंने बताया कि उनकी बहन प्रियंका को जलेबी बहुत पसंद है। राहुल ने कहा कि उन्हें मिठाई में कुछ और पसंद है लेकिन गोहना की जलेबी का स्वाद उन्हें बेहद खास लगा। उन्होंने मजाक में कहा कि इससे बेहतरीन जलेबी उन्होंने पहले कभी नहीं खाई। इसके बाद उन्होंने प्रियंका को फोन कर बताया कि वह उनके लिए गोहना की जलेबी लेकर आ रहे हैं। उन्होंने अपनी बहन को भेजे मैसेज को भी सबके सामने पढ़कर सुनाया। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया जिसमें राहुल गांधी दीपेंद्र हुड्डा और बजरंग पुनिया के साथ बड़वासनी गांव में एक गरीब परिवार के घर में भोजन करते नजर आ रहे। वीडियो में देखा जा सकता है कि गांव की महिलाओं ने गीत गाकर उनका स्वागत किया और वे मिट्टी के चूल्हे पर पका खाना खा रहे हैं। राहुल गांधी ने गांव की महिलाओं के साथ विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा की। एक महिला ने अपने बेटे की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई जबकि दूसरी ने कहा कि ग्रेजुएट नौजवानों के पास नौकरी नहीं होने के कारण वे गलत राह पर जा रही हैं। वहीं पहलवान बजरंग पुनिया एक छोटे बच्चे को पहलवानी के गुर सिखाते नजर आए।